अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाला एवरी एक्सप्लोरर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड खैर हो, आप से होंगे। बहुत ही यानी कि मुझसे ना जावा के मतलब आज की वीडियो है, तो मैं यानी कि एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ और रिजल्ट भी यानी कि ग्रेटफुल रहा है, वो आपके साथ शेयर करूँगा क्या चीज़ थी वीडियो में। आगे चल के वीडियो अगर पूरी देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि जावा के इन केस बच्चे निकल आए और जावा अपने बच्चे नहीं पाल रही तो हम दूसरी स्पैरोज जैबरा या बेंगलाइज किसके नीचे रख के जावा के बच्चे ग्रो करवा सकते हैं। वीडियो में आगे चल के मैं इन डिटेल आपको दिखाऊंगा कि क्या प्रोसीजर था, कैसे हमने जो है ना इस मामले को हैंडल किया। पहले कलोनी की तरफ चलते हैं। एक काम मैंने कलोनी में किया कि जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीक मैंने सारे बॉक्सेस उतार दिए थे, तो ये सारे ओपन फिर रहे हैं, तो कुछ बच्चे निकले हुए थे। जब हम बॉक्सेस को साफ करने लगे तो हमने बॉक्सेस में देखा कि बच्चे निकले हैं, तो बच्चे मैंने ये दाने वाले पोर्ट के अंदर ही रख दिए। तो माशाल्लाह इधर कह लें कि फीड भी हो रहे हैं और आज कह लें कि एक हफ़्ता हो गया, आप इनके फ़ोटो में फीड देख सकते हैं। तो माशाल्लाह एक हफ़्ता होने को आ गया है, तो ये फीड भी हो रहे हैं और माशाल्लाह बचे हुए हैं। दूसरे लफ्ज़ों में चार बच्चे हैं, एक दो छोटे थे वो ऊपर फ्लाई करके ऊपर चले गए। तो एक तो ये हो गया कि अगर हम जावा के बच्चे बाहर निकाल के इनके यानी कि पेरेंट के नज़दीक रख दें, ये तो वो बच्चे थे जिनके ऊपर पिने आ गई थी, ये वो मैंने बच्चे रख दिए। अब एक दो बॉक्सेस जब हम साफ़ करने लगे, मुझे ये था कि बॉक्सेस में बच्चे नहीं निकले, तो बॉक्सेस जब साफ करने लगे तो छोटे छोटे बच्चे। अब मजेदारी की बात है, मैं नहीं था चाहता कि वो एक्सपायर हों या कहने के हमारी कहने के कमबख्ती आ जानी थी कि गुनाहगार हो जाना था कि हमने सारे डब्बे तो उतार दिए, अकल पे पर्दा डला हुआ था कि चेक नहीं किया। जब सारा कुछ हमने जो है ना बाहर नेस्टिंग निकाली ये वो, तब पता चला इन बॉक्सेस में छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने एक्सपेरिमेंटल तौर पे आपको पता है कि ये जो ऊपर जो ये देखें, ये जो ज़ेब्रा फिंचेस बाहर अंदर सारी फिर रही हैं, पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये ज़ेब्रा फिंचेस, इन्होंने ना डिफरेंट पॉइंट्स पे ना घोंसले बनाए हैं, जैसे इस झोंपड़ी के अंदर इधर भी मेरे ख्याल से इधर भी घोंसला सेट किया, तो ये भी एक घोंसला बना हुआ है। अब मैंने किया क्या, मैंने एक बच्चा इसके अंदर रखा, ये देखें। अब ये वाला जो बच्चा है ना ये जावा का है, तो माशाल्लाह ये इनको पाल दीजिए। ये हमारा पेंगुइन और क्रस्ट का मेल है ज़ेब्रा के अंदर, उन्होंने इनको यानी कि अटेंड करके माशाल्लाह फीड भी करवा रहा और अच्छे तरीके से पाल भी रहा है। चलें जी आगे आ जाए। आगे मेरे पास पूरी आर्मी खड़ी है बेंगलाइज की, तो मैंने कोशिश की कि किसी ना बेंगलाइज के नीचे बच्चों को पोस्टर कर दूं। तो फिर मैंने ऐसे किया कि इधर गालबन नहीं, इधर नहीं, इसी एक डब्बे में ना बच्चे मैंने शिफ्ट किए हैं, शायद इधर है, हाँ अब इधर देखें, इधर बेंगलाइज के नीचे एक गोल्डियन का निकला था, ये देखें, और एक देखें ये भी जावा का है और ये ओपल का बच्चा है रेड आइज में, ये भी दोनों जावा के बच्चे हैं। उसके बाद मेरे ख्याल से दो बच्चे इधर पड़े हैं, इन्होंने भी अटेंड कर लिया है, तो माशाल्लाह ये भी पालते हैं, आप देख सकते हैं। बेसिकली आज की जो वीडियो थी ना बनाने का मकसद ये था कि अक्सर दोस्त कहते हैं कि हम इनके अंडे पोस्टर कर सकते हैं कि नहीं, तो लो जी एक्सपीरियंस भी जो है ना एक्सपीरियंस के साथ अब बात कर रहा हूँ अथेंटिक तरीके से कि हमने तजर्बा किया और अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गए। अब एक चीज़ आगे मसला आएगा वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ कि क्या होगा। देखें ज़ेब्रा फिंच और जो है ना बेंगलाइज साइज़ में इतनी सी है, जावा का बच्चा इतना बड़ा होगा, तो मुझे लगता है कि मसला आएगा जब बच्चे बड़े हो जाएंगे। तो अभी तो चलें इधर देखते हैं क्या करते हैं, एक एक दो दो बच्चा दिया है इनको कि ये पालें, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या मामला बनता है। इन केस जब हम ब्रीड दे रहे हों, खासकर जिनके पास ओपन लगी हैं या फॉर्म लगी हुई है, उनके पास ज़्यादा मसला ये आता है कि बच्चे नहीं पालते पेयर,
तो आप बंगलाइज और ज़ेब्रा पिन से पोस्टिंग करा के जब वो पिनों पे आ जाए बच्चे, तो आपके पास जो पेड़ अच्छे बच्चे पाके उनके नीचे साइजिंग करके जावा के उनके नीचे शिफ्ट करके आप अपने यानी कीमती बच्चे जो निकले हैं जावा के वो बचा सकते हैं। तो मैंने तो ये एनालिसिस दिया जो आपके तक जो डिलीवर कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल कह लें कि आज हफ्ता हो गया ये बच्चे नीचे पड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे पल रहे हैं। तो मेरी ये छोटा सा यानी एक्सपेरिमेंट था, सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। जुमे का दिन है तो दुरूद शरीफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपने भी और मैंने भी पढ़ के साले सवाब करना है। अल्लाह पाक सबके लिए जो है ना रहमत वाला मामला करे और हमारी जो है ना यानी कि आखिरत में निजात का सबब बने। तो चलें इसके साथ ब्लॉग पॉइंट करते हैं, इंशाल्लाह ताला जल्द ही एक जो है ना नया ब्लॉग आपकी खिदमत में लेके आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।